सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो गाइस, आज किस वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। और ये गाइस, ये कितना खतरनाक ट्रेंडिंग गेम है जो कि आप लोग को बताने का जरूरत नहीं है कि इसमें क्या करना पड़ता है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं पता इसमें क्या करना है, तो गाइस माइनक्राफ्ट एक बेसिकली एक ब्लॉकी सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको बचना पड़ता है, अपना नाइट गुजारना पड़ता है, मॉन्स्टर से बचने होते हैं और फिर क्राफ्ट करने होते हैं, बहुत सारे चीज इसको डिस्कवर करना होता है और भी बहुत कुछ इसमें है गाइस। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे आ जाता है नेम, वर्ल्ड का नेम। तो वर्ल्ड का नेम मैं रखूँगा उर्रा वर्ल्ड। उर्रा वर्ल्ड सबसे बेस्ट नेम। और क्रिएट न्यू वर्ल्ड, गेम मोड सर्वाइवल रहेगा, डिफिकल्टी नॉर्मल, अलाउ चीट्स ऑफ और क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर और अभी हम लोग गाइस फॉरेस्ट में है, मतलब बायोम में है। तो यहाँ से हम लोग को निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ से वुड ले लेते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग अपना हाउस बनाने वाले हैं और बेसिक चीजें हम लोग लेने वाले अपने सर्वाइवल के लिए। और वीडियो में बने रहना क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, इसमें नया सीरीज है और मैं ट्राई करूंगा इसको कंटिन्यू करने का। तो यहाँ पे हम लोगों ने वुड भी कलेक्ट कर ही लिया है, तो अब इसको हम लोग फटाक से प्लैंक्स में बदल देते हैं। और अब हम लोग गाइस बनाते हैं क्राफ्टिंग टेबल। तो यहाँ से हम लोग क्राफ्टिंग टेबल बन गया और अब हम लोग बनाते हैं कुछ स्टिक्स जिससे हम लोग वेपन या फिर टूल्स बना सके। सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं एक स्टोन की पिकैक्स, ये लो बन गई। और अब केव किधर है यार, केव 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 केव, ओ ओ नहीं, बच गया भाई, मैं बच गया। और केव ये रहा केव, चलो भाई। तो यहाँ पे हम लोग केव ले लिए, मतलब केव को ढूंढ लिए। अब कॉबल स्टोन माइन करते हैं, लग जाते हैं। तो लगभग मैं 20 इनफ होंगे अभी स्टार्टिंग के लिए। तो यहाँ पे फटाफट हम लोग, और हम लोग गाइस आयरन मिल चुका है यहाँ पे। तो उसको भी हम लोग निकालेंगे थोड़ा देर में, अभी पहले हम लोग चलते हैं और कहाँ गए हम लोग, क्राफ्टिंग टेबल पास चलेंगे हम लोग। हम लोग ने 18 कॉबल स्टोन ले लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे कहाँ गया भाई मेरा क्राफ्टिंग टेबल, लो भाई। अब हम लोग बनाने वाले एक स्टोन की पिकैक्स, ये लो भाई स्टोन की पिकैक्स भी बन गई। एक स्टोन की स्वॉर्ड भी बना लेता हूँ, ये भी बना दिया। और क्या बनेगा, स्टोन का एक्स ये भी बना लो। और क्या सुर कर रहा है भाई, ये मधुमक्खी है गाइस, कोई नहीं। और ये सुअर को भी हम लोग मार लेते हैं क्योंकि क्या करें भाई, भूख तो हम लोग को लगती है इसलिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे वापस से, तो अभी हम लोग वापस से केव में आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को आयरन मिला था, इसको ले लेते हैं। एक आयरन मिला भी, ये 2 3 4 और एक और 5 भी है, 5 और नहीं है ना, ठीक है और नहीं है। अब आयरन को स्मेल्ट करने के लिए गाइस हम लोग को चाहिए होगा एक क्या बोलते हैं उसको, फर्नेस। और फर्नेस और आयरन को स्मेल्ट करने के लिए हम लोग को चाहिए होगा कोल। ये देख लो भाई, ये है कोल। और अंधेरे में भले ही आपको दिख नहीं रहा हो, तो यहाँ पे मैं और तो गाइस जहाँ पे भी कोल होते हैं वहाँ पे बहुत सारे कोल एक साथ मिलते हैं, और रियल लाइफ में भी शायद आई गेस ऐसा ही होता। तो यहाँ पे देखो एक साथ कितने सारे कोल है, और एक खतरनाक सी रवीन है, ये वहाँ पे कॉपर पड़ा हुआ है और वहाँ पे भी कॉपर है, यहाँ पे थोड़े बहुत कोल है। और ये लो भाई, और मुझे स्पाइडर की क्यों आवाज़ आ रहा है भाई, अभी मुझे आवाज़ आया स्पाइडर का, कहाँ गया यार, है तो नहीं ना, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से फिर लगता है भाई इस नीचे एक और बड़ा केव है, तो इतना इनफ होगा क्या, थोड़ा और आगे इसको भी ले लेते हैं। वैसे लालच बुरी वाला है मगर फिर भी गाइस हम लोग को स्पाइडर से भी बच के रहना क्योंकि बहुत स्पाइडर का आवाज़ आ रहा है, अगर उसने काट लिया तो मैं स्पाइडर मैन बन जाऊँगा। शाबाश बेटा, वैसे सही में तो नहीं बनते स्पाइडर मैन, खाली मूवी में हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है।
और अभी हम लोग चलते हैं बाहर, क्योंकि हम लोगों ने कितना 21 कोल इकट्ठे कर लिए, जो कि मोर देन नीडेड है, और अच्छी बात है भाई, हम लोग ने ज़्यादा कोल इकट्ठा कर लिया। ओके गाइस, तो वापस से हम लोग आ चुके हैं अपना क्राफ्टिंग टेबल पास, और अब हम लोग बना लेते हैं फर्नेस। ये लो भाई, फर्नेस बन गया, अब इसको रखते हैं बगल में, और अब हम लोग कर लेते हैं आयरन को स्मेल्ट। ये लो भाई, हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है आयरन इंगट। अब ये लो, और नई रेसिपी अनलॉक हो चुकी है, तो आयरन का स्वॉर्ड और ये सब बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग आयरन को कलेक्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का रॉ आयरन है, इसको भी लो भाई मैंने कलेक्ट कर लिया। अब फर्नेस को तोड़ते हैं, और अब गाइस मैं एक बढ़िया सा घर बनाने का जगह ढूंढूंगा, क्योंकि ऐसे जंगल वंगल में बनाना पड़ेगा तो फ्यूचर के लिए सही नहीं है, और थोड़ा बढ़िया घर बनाएंगे स्टार्टिंग के हिसाब से, और इसके लिए मुझे प्लेन ढूंढना पड़ेगा, प्लेन जगह जहाँ पे कोई फॉरेस्ट कुछ नहीं हो। फिर जल्दी से हम लोग ढूंढना चालू करते हैं। तो रास्ते में गाइस ये देखो स्टोन का, मैं जस्ट वहाँ पर मैंने आपको बताया, और ये लो भाई यहाँ और भी आयरन मिल गए, एक आयरन यहाँ है, एक आयरन यहाँ है, चलो भैया। और ये ऐसा ही जगह है, और होपफुली हम लोग को रात होने से पहले प्लेन जगह मिल जाए, ऐसा प्लेन जगह नहीं क्योंकि यहाँ पे ना ही ग्रास व्रास कुछ नहीं है, तो ये प्लेन जगह का कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग का इस बेड भी बनाना पड़ेगा, बेड बनाने के लिए हम लोग कुछ चाहिए होगा सीप, मतलब सीप से बेड नहीं बनेगा, सीप के वुल से बेड बनेगा, और शायद से हम लोग स्नो बायोम एंटर करेंगे अभी, क्योंकि वहाँ पर ऊपर स्नो है, तो पहले तो हम लोग गाइस ये रिवर क्रॉस कर लेते हैं। और भाई मैंने अभी ध्यान दिया कि मेरे जो ये क्या बोलते हैं हंगर बार में एकदम बहुत कम हो रखा है मेरा हंगर बार, तो उसके लिए मुझे खाना पड़ेगा, मैं तेज़ भी नहीं भाग पा रहा हूँ, और गाइस मैं तेज़ भी नहीं भाग पा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो, मतलब स्प्रिंट नहीं कर पा रहा मैं। ऐसे खाना खाने से गाइस कुछ नहीं होगा, मुझे बनाना पड़ेगा, और लो भाई खाना भी मिल ही गया। अभी मैं आपको इस ऐसे खाना खा के दिखाता हूँ, ये देखो भाई थोड़ा थोड़ा हंगर बार हम लोग का बढ़ रहा है, और ये देख लो ये आखिरी सुअर को देख, मतलब आखिरी बार ये सुअर को आप लोग देखोगे, इधर देखो इधर हाँ, अब ये नहीं दिखेगा मेरे साथ अन्याय हुआ है। और रात भी होने वाला है, और अभी हम लोगों ने जगह भी नहीं खोजा है, और ये स्नो बायोम हम लोग आ चुके हैं, और मुझे सामने गोट दिख रहा है, गोट को मारने से बनता है क्या? रिस्क तो नहीं लेना चाहिए, पहले हम लोग गाइस फूड कुक कर लेते हैं इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ पे फूड कुक हो रहा है, इधर आ, नहीं मारते भाई ये लोग, ना ये लोग नहीं मारते। कुछ मिला इन लोग से? कुछ भी नहीं मिला भाई, मुझे लगा इन लोग से भी थोड़े बहुत क्या पता भूल मिल जाते हैं, वैसे ये नए अपडेट में ऐड हुए हैं, पता नहीं कौन सा अपडेट में। और रात भी होने वाला है गाइस, और रात के अंधेरे में कुछ नहीं हो पाएगा गाइस। लो भाई हम लोग को प्लेन्स भी मिल चुका है, मुझे लगा गाइस इसके आगे स्नो बायोम होगा, लेकिन नहीं, इसके आगे प्लेन्स है और फूड कुक इतना इनफ है, अभी ले लेते हैं हम लोग खैर। और अब हम लोग चलते हैं गाइस फटाफट से प्लेन्स की ओर, और भाई धीरे धीरे जॉम्बी और स्केलेटन और स्पाइडर और क्रीपर वीपर सब स्पॉन होना लग जाएंगे। लग गए भाई, मैं यहाँ से फटाफट खाना खाता हूँ। ये क्या हो गया भाई? ओ भाई ये क्या है यार, ये क्या है भाई, ओए ये क्या हो गया? ओ भाई पता नहीं भाई ये क्या था, ये अलग टाइप का स्नो है शायद से, तो अच्छा हो भाई मैंने, अरे यार देखो फिर मैं धस रहा हूँ, हटो हाँ, ये अलग टाइप का स्नो है। और लो भाई जॉम्बी महाराज पधारते हुए, और अभी हम लोग से भिड़ेंगे आए, और यहाँ पे स्केलेटन सर तेज बनते हुए, इसको मार, जॉम्बी को मार, वेरी गुड, इधर आए, चलो भैया अब वापस से खाना खाओ, वैसे खाया नहीं मैंने। और वो देखो गाइस एंडरमैन सर आपकी आंखों में, अगर इसकी आंखों में देखने से गाइस ये हम लोग का बहुत बुरा तरीके से हालत करता है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, इधर से आएगा यार, म्यूजिक भाई
यार देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आगे स्वाद भाई मैं मुर्गी के साथ स्पॉन हुआ और पता नहीं मैं किधर हूँ, कहाँ जाना है। मैंने कोऑर्डिनेट्स भी चेक नहीं किए थे यार, क्या होगा पता नहीं भाई मेरा। और ये देखो भाई मुझे क्या दिखा, ये देखो मतलब भाई विलेज मिल गया, विलेज और किस बात की खुशी, विलेज भाई विलेज मिलना इतना आसान थोड़ी ना है। और उससे पहले मेरे को अपना सामान लेना पड़ेगा जल्द से जल्द, ये अगर मैंने नहीं लिया तो फिर मेरा हालात बहुत ख़राब हो जाएगा। यहीं पे मरा था शायद, हाँ यहीं पे मरा था। और ये लो भाई अलग ही परेशान करके रखी है। अरे चल जा यार, चल जा। अच्छा दूर से ही मारना पड़ेगा भाई, दूर से ही। चल जा भाई मकड़ी, चल जा। कौन भाई मार रहा है भाई? भाई मत मार भाई, मैं हाफ हटूं। मत मार भाई। मरती क्यों नहीं यार तू? मर गया भाई फाइनली। मेरा एचपी इतना कम है ना मैं क्या बताऊं। और एंडरमैन सर, वेरी सॉरी सर। बस हवा निकल गई। पहले बताइए मेरा सामान किधर है सर? मैं सामान के लिए इतना दूर से आया हूँ। ओ अच्छा, मुझे लगा मुझे सामान मैंने कलेक्ट किया। गाइस मेरा सामान नहीं मिल रहा यार, यहीं पे तो था। अरे देखो आ गया भाई मेरा सामान, ये रहा। ओ भाई अब जान में जान आया यार, अब जान में जान आया भाई। मेरे को लगा कि बहुत अन्याय हुआ मेरे साथ, मगर बच गए भाई हम लोग। खाना लाओ यार खाना। स्वॉर्ड वॉर्ड चली गई होगी मेरी? हाँ मेरी स्वॉर्ड चली गई है। और रात के अंधेरे में मुझे जगह तो मिल चुका है बनाने के लिए। वैसे ये पहाड़ वाला इलाका है, सामने शायद मिल सकता है। और अगर मैं ज़रा सा भी गिरा तो मेरे साथ क्या होगा ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए खाना पहले बना लेता हूँ। उफ भाई अब हम लोग यहाँ पे दिन भी कर सकते हैं। और वहाँ देखो वो सारे इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग को खाना भी मिल गया, बस बार फुल हो जाए जल्दी जल्दी। और कुछ नहीं चाहिए भाई, तोड़ो इसको, बहुत खाना खा लिया है, अब चला जाए यार। नीचे पानी है ना, कुछ जाओ, रिस्क लेते हैं चलो। ओए 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 ओए, अरे बाप रे बाप भाई, थोड़ा सा कम जगह था। उठो, हाँ चल हमको सोने दे भाई अब। भाई साहब आज का दिन बड़ा खतरनाक था यार। और गुड मॉर्निंग गाइस, सॉरी सर आपको इतना लेट पड़ा। और ये कौन जल रहा है भाई? गोलम क्यों जल रहा है पता नहीं। बोन का क्या करे वैसे, अभी यहाँ पे बहुत सारे हेवेल पड़े हुए हैं तो इन लोग को जल्दी से ले लेते हैं। और आप लोग को नहीं पता हेवेल से क्या बनता है, तो हेवेल से बनता है वीट और वीट से बनता है ब्रेड। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं और यहाँ पे हेवेल रखते हैं। और यहाँ हम लोग को मिल गया वीट बहुत सारे। ब्रेड कैसे बनता है भाई? ब्रेड ये लो भाई, ब्रेड बन गया हम लोग का। यहाँ पे कितना बनेगा यार, और बना के दो। लो भाई 24 ब्रेड हम लोग का बन चुका है, यानी खाने का सारा। तो यानी गाइस हम लोग को खाने का सारा मतलब सारा झंझट ख़त्म और कुछ नहीं है। और यहाँ सबसे पहले तो गाइस हम लोग चोरी चालू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर विलेज में आया तो चोरी करना कोई बस देख ना ले। और भाई ये फार्मर मिल गया हम लोग को। क्या बात कर रहे हो भाई तुम लोग, इधर आ ट्रेड कर भाई। ये हम लोग को 1 एमरेड के बदले 6 ब्रेड दे रहा है और 22 कैरेट के बदले 1 एमरेड दे रहा है। तो भाई इन लोग का फार्म किधर है? ये कैरेट है क्या? लो भाई सब उखाड़ देंगे इनका। सॉरी सर, लो भाई आप ही का माल। 10 है भाई, कंपोजर में क्या रखा है पता नहीं। और ये गाइस बड़ा घर है, चेस्ट भी पड़ा है, बहुत सारे आलू है भाई।
बहुत सारे आलू को हम लोग ले लेते हैं और एप्पल भी पड़े और ये फूल उल का कुछ नहीं होगा। बेड तोड़ लेता हूँ मैं, दो दो बेड हो गए भाई। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। लो भाई, बड़े साहब का घर है, बंद कर देते दरवाज़ा। टॉर्च दे दो। नहीं रख लो भाई, टॉर्च भी रख लो। ओ भाई डैमेज पड़ गई। और अब हम लोग आगे के घर लूटने चालू करते हैं। इनको तो मैंने लूट ही लिया। वहाँ पे ये अच्छी बात है कि इसमें ब्रीविंग स्टैंड भी मिलता है। और पता नहीं इस घर को क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन इस घर में ख़तरनाक लूट होती है। ये देखो, ये हम लोग को मिल गया ब्रूइंग स्टैंड। इसमें हम लोग गाइस पोर्शंस बना सकते हैं, हर एक पोर्शन का अलग अलग काम है। यहाँ पे सुंदर सा इन लोग का घर है, टट्टी सा है वैसा, लेकिन फिर भी तारीफ कर देना चाहिए। इतना यहाँ के इन लोग से लूट रहे हैं तो फिर तारीफ तो बनता है ना यार। बात तो सही है। और दूर दूर में भाई पता नहीं क्या क्या है। तो यहाँ पे और भी घर है भाई, कितने घर है यार, बहुत बड़ा हम लोग को विलेज मिल रहा है। बिल्ली 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 बिल्ली, इधर आना बिल्ली। अरे भाई स्पाइडर, सर सर भी बहुत चोड़ में हो रहे थे उस दिन रात को। इसके घर में गाइस पक्का चेस्ट होगा, देखना। कुछ भी नहीं यार, ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। क्या कर रहा है भाई तू यहाँ, क्या कर रहा भाई कोने में। और यहाँ पे ये बड़े साहब का घर है, क्योंकि इन साहब के घर के आगे ये सर है। और इन बड़े साहब के ये कौन है भाई, घर में जासूस आ गया भाई तेरे। यहाँ पे इन लोगों ने मस्त सा बालकनी बना रखा है। ओ भाई हाँ चलो। और सुअर का है भाई ये। यहाँ पे चेस्ट है, कॉल्ड्रॉन है, ये शायद स्मूथ आयरन ब्लॉक है। और यहाँ पे हम लोग होगा इस चेस्ट में एक आर्मर मिला है, लेदर आर्मर। उसको पहन लेते हैं। लो भाई अब हम लोग कैसे लग रहे हैं, मिट्टी मिट्टी आदमी भाई चेहरा। और छोड़ो यार, बेइज्जती हो रहा है भाई मेरा। मतलब देखो आप लोग एक बार, चेहरा और ये मैच कर रहा है यार। और भाई तब ये ब्लैक स्मिथ है भाई। चल लेदर वर्कर है, तो 6 लेदर के बदले में 1 एमराल्ड। चलो फालतू भाई ट्रेड है इसका। और ये घर हम लोगों ने नहीं देखा अभी तक, तो देख लिया। तो यानी गाइस हम लोगों ने ये विलेज का सारा घर देख लिया है और थोड़ा सा लूटने का समय आ चुका है। और अब चलते हैं लूटने। चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर भाई, बिल्ली बहुत है यार इधर। और यहाँ पे घोड़ा भी है, ये सब घोड़ा की गधा है, गधा है भाई गधा। और वहाँ पे कुछ पम्पकिंस है यार, लेकिन पम्पकिंस का कुछ काम नहीं है। और गाइस आज की वीडियो में मुझे अपना घर बनाना था, मगर वो इस वीडियो में मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि गाइस वीडियो लंबा हो जाएगा उससे बहुत ही ज़्यादा। और वैसे ट्राई करते हैं भाई। नहीं यार ये सही जगह नहीं है, यह सही जगह नहीं है, इसमें मतलब उतना जगह नहीं है। वहाँ ट्राई करते हैं वो उस पार नदी के, और उस नदी नहीं है, खैर ओशियन है। ओशन के उस पार जाने के लिए हम लोग को बनाना होगा बोट। और बोट बनाने के लिए हम लोग को चाहिए, कहाँ गया भाई बोट का रेसिपी, ये रहा। लो भाई बोट बन गया हम लोग का, बिर्च बोट। और मैं ये क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ, और मैं किसी एक घर में रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाई चांस मर गया तो फिर को पता ही है क्या होगा मेरे साथ। तो इस वीडियो में हम लोग लोकेशन ढूंढेंगे और घर बनाएंगे अगले वीडियो में। तो गाइस विलेज से थोड़े दूर पे मुझे एक ऐसा जगह मिला जहाँ पे खाली ही खाली है। और 3 2 1 ये देखो भाई, खाली खाली जगह आप लोग देख सकते हो। और विलेज उस तरफ में है और हम लोग का प्लेन एरिया इस तरफ में। मेरा किस्मत भाई क्या है, किस्मत को भाई मजाक बना दिया है कसम से। उस तरफ में एक और विलेज था, मैं जस्ट ओशन क्रॉस करके आया उधर। और ये देखो वाह क्या सीन है। पहले तो भाई लूटेंगे, हम लोग का एरिया भी हो चुका है, लेकिन 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 वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए हम लोग लूट भी नहीं सकते। तो ये रात हम लोग सो जाएंगे और फिर बाद में आपसे मिलेंगे, क्योंकि वो पता ही है वीडियो लंबा हो चुका है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ भाई, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले इधर आ भाई, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसे मरोगे।